पिछले हमने लेक्चर में कवर किया था लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, और उसके बाद बताया था हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स कैसा होता है, रदरफोर्ड्स की कमियों को उजागर किसने किया था, बोर्स ने, और अपना एक मॉडल दिया था जो कुछ पोस्टुलेट्स पर आधारित था। बोर्स मॉडल की एक सफलता का मेन कारण यह था कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हमने टर्म यूज किया है स्पेक्ट्रम, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए स्पेक्ट्रम डेफिनेशन बताते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, द स्पेक्ट्रम इज एन एरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। द स्पेक्ट्रम इज एन एरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सम प्रॉपर्टी, डिक्रीजिंग ऑफ सम प्रॉपर्टी। देखिए क्या ये एरे है, मतलब एक अरेंजमेंट है इसका, वेव्स का और पार्टिकल्स का, कुछ प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। स्पेक्ट्रम सिंपल कह सकते हैं क्या है, एक अरेंजमेंट है वेव्स का और पार्टिकल्स का, किसके ऑर्डर में, कुछ प्रॉपर्टी वेवलेंथ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है। देखिए बात करते हैं, जैसे ईएमआर की बात करते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो सनलाइट है, सनलाइट में क्या होती है, अलग अलग कलर्स में अलग अलग रेंज में डिवाइड रहती है। सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट का जो अरेंजमेंट है, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ होती है 10^-3 से 10^-1 नैनोमीटर, और एक्सरे 10^-1 नैनोमीटर, और यूवी होता है 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल क्या है, सीधे 400 से 800 नैनोमीटर, और आईआर क्या है 8 × 10^2 से 3 × 10^5 नैनोमीटर, माइक्रोवेव हो जाएगा 3 × 10^5 to 1 × 10^7 नैनोमीटर, मोर देन 10^7 नैनोमीटर। देखिए जो लाइट है, जैसे सनलाइट वगैरह है, उसके क्या है अरेंजमेंट है, अलग अलग टाइप का, देखिए गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ, एक अरेंजमेंट ऑफ किसका, वेव का, किस फॉर्म में, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है, तो इस बॉर्डर में किसका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे आपने शुरू में कुछ क्लास में देखा होगा, देखिए और ये सामने पड़ा होगा, जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से पार करती है, जब कोई वाइट एक प्रिज्म से पार करती है तो क्या वो सेवन कलर में डिवाइड हो जाती है। देखिए और इसका ऑर्डर क्या, वी
आई वी जी बाई ओ आर, जब लाइट के प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से पार करती है तो कितने कलर में डिवाइड हो गई है, सेवन कलर में। कलर क्या है इसका, वोलेट, वोलेट मतलब नीला, इंडिगो मतलब नील, ब्लू सॉरी वोलेट मतलब बैगनी, बैगनी ब्लू नीला ग्रीन हरा येलो पीला ऑरेंज नारंगी और रेड मतलब लाल। प्रकाश कलर कितने डिवाइड हो गए, सेवन कलर्स में, इसको बोलते हैं रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ये होता है लगभग 400 एंगस्ट्रॉम का, इसकी वेवलेंथ क्या 400 एंगस्ट्रॉम और रेड की होती है लगभग 650 एंगस्ट्रॉम। तो क्या ऑर्डर है वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, ये क्या अल्टीमेट है नीचे से ऊपर था वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये क्या है, ए बैंड ऑफ कलर्स टू फॉर्म द कंटिन्यूअस रेनबो। तो ये कैसे स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और किसका स्पेक्ट्रम है, ये कलर का। तो कैसा अरेंजमेंट हुआ, ये कलर्स का अरेंजमेंट है किस फॉर्म में, वेवलेंथ के में, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये सब क्या है, एक स्पेक्ट्रम। अब हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की।